अलवर अर्जुन की तवेले इंतजार के बाद आखिरकार इनकी फिल्म पुष्पा टू द रॉल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, जिसने शानदार ओपनिंग बिजनेस किया है। इसी हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेके आए हैं हम आपके लिए आज की इस वीडियो में। वीडियो का आगाज करती है हमारे चैनल रियलिटी डेक्स न्यूज में, आपको खुशामदीद कहती है। गाइस आपको बताते चले कि इस फिल्म के हवाले से बहुत से साइफिन ये जानना चाहते होंगे कि इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर कितनी कमाई की है, तो आपका इंतज़ार ख़त्म करती हैं और आपको बताती हैं कि इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर शानदार बिजनेस किया है। रिलीज के पहले दिन ही इस फिल्म ने 175.1 करोड़ का शानदार बिजनेस करके नेटफ्लिक्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। ये रिकॉर्ड इससे पहले SS राजमौली की फिल्म RRR के पास था। आपको बताते चलें इसके साथ ये भी कि फिल्म पुष्पा 2 ने सबसे ज़्यादा तंगलोई वर्जन से कमाई की है। इस फिल्म ने तंगलोई वर्जन से 95.1 करोड़ का शानदार बिजनेस किया है। हिंदी वर्जन की बात करें तो यहाँ से इस फिल्म ने 66 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस किया है, जबकि मलयालम से इसने 5 करोड़ और कंटर वर्जन से 1 करोड़ कमाने का मौका हासिल किया है। गाइस आपको बताते चलें कि तंगलोई वर्जन में इस शो की नशिस्तें 82.66% तक बढ़ चुकी थी और रात के वक्त इस शो की नशिस्तें 90.19% तक कायम रही थी। इसी तरह इस शानदार बिजनेस करके इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अपनी जगह बना चुकी है। इस फिल्म में अलवर अर्जुन ने अपना मशहूर किरदार पुष्पा राज को निभाया, जबकि रश्मिका ने इनकी बीवी श्री मौली और फैसल ने बुनवरा शिखावत सिंह का किरदार निभाया था। इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि माहरीन के मुताबिक पुष्पा 2 हफ्ते के अख्ताम पर 250 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस कर सकती हैं। इस फिल्म को न सिर्फ अपने प्लांट बल्कि शानदार म्यूज़िक, शानदार कहानी और अलवर अर्जुन की शानदार परफॉर्मेंस ने भी फैंस को के दरमियान इसे बहुत ज़्यादा मकबूल किया है। तो गाइज ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट्स, जिससे आपके साथ मुकम्मल डिटेल्स के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पुष्पा 2 द रॉल के हवाले से, शानदार बिजनेस के हवाले से आप कुछ भी कहना चाहती हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।